नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जयशा सर्वाधिकारी। नावाड़ी बोकारो से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नया बस्ती के खेतों में किया धरना प्रदर्शन। झारखंड के किसानों से विगत वर्ष झारखंड सरकार के द्वारा खरीदे गए धान का पूर्णता भुगतान की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश अनुसार बेलमो प्रखंड भाजपा के तत्वावधान में भाजपाइयों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बेलमो प्रखंड अंतर्गत नया बस्ती के खेत में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा के बोकारो जिलाध्यक्ष भरत यादव ने कहा कि विगत वर्ष धान का बेहतर पैदावार से उत्साहित किसानों को अपेक्षा थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर झारखंड सरकार के द्वारा धान खरीदा जाएगा। धान विक्रय के लिए लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया, लेकिन लगभग 95,000 से भी कम किसानों से झारखंड सरकार ने धान खरीद किया, इसलिए मजबूरन किसानों को लगभग आधे मूल्य पर धान बिचौलिए को बेचना पड़ा। जिन किसानों से झारखंड सरकार ने धान खरीद किया उसका भी भुगतान अभी तक पूर्णता नहीं हो पाया है। यद्यपि कोरोना के संकट काल में किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पुनः धान की बुआई का समय आने के कारण किसानों को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए प्रदेश नेतृत्व के अनुसार किसानों के सम्मान में भाजपा कार्यकर्ता खेत खलिहान में उतरकर किसान विरोधी हेमंत सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों से क्रय धान के मूल्य का भुगतान अविलंब किया जाए। इस अवसर पर भाजपा के बेरमो प्रखंड अध्यक्ष संजय प्रसाद, बेरमो के प्रवासी कार्यकर्ता सूरज नायक, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री विश्वनाथ यादव, जिला मंत्री भैरव महतो, भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह, जिला सोशल मीडिया प्रभारी कुमार प्रमोद, सीमा देवी, दिनेश यादव, प्रदीप नायक, शिव कुमार राम, दिलीप राम, भुवनेश्वर सिंह, बबलू यादव, रामेश्वर यादव आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो धान जो खरीदा किसानों से, वो धान का अभी तक भी पेमेंट नहीं हुआ है पैसा, और यहाँ की भाजपा की सरकार था रघुवर दास का, तो हर किसान को 5,000 रुपया प्रति एकड़ बीज खरीदने के लिए दिया जाता था, और हेमंत सरकार आते ही इस योजना को बंद कर दिया गया। तो हम तो चाहते हैं कि हेमंत सरकार को सरकार छोड़ देना चाहिए सीट को, जब किसान के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा सरकार नहीं चाहिए। आज ये किसान को कितना अच्छा सुविधा रघुवर दास के समय दिया था कि हर किसान को 1 एकड़ पर 5,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जा रहा था, और धान का भी फसल अच्छा हो रहा था। और अभी देखिए हेमंत की सरकार आया है तो सब बंद कर दिया गया है, तो ऐसा सरकार नहीं चाहिए। सभी क्या कार्यक्रम था आप लोग का? देखिए पिछले वर्ष धान की अच्छी फसल हुई और किसान इससे काफ़ी उत्साहित थे कि उनका धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हेमंत सरकार ने धान खरीद का घोषणा तो किया, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव जी के बाद, एक सप्ताह के बाद ही उस पर धान में नमी बता करके रोक लगा दिया गया। फिर बाद में जैसे तैसे धान खरीदा गया। झारखंड में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने सरकार को धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण करवाया, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 95,000 से भी कम किसानों से धान खरीदा गया, और जिन किसानों का धान खरीदा गया उनका भी अभी पूर्णतया भुगतान नहीं हुआ है, जबकि अब पुनः जो है सो धान बुआई का समय आ गया है। इस कोरोना के संकट काल में किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, बुआई के समय में उनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन यह हेमंत की सरकार पूरी संवेदनशील है, इस समय में भी किसानों का पूर्णतः भुगतान नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर में खेतों में उतर करके किसानों के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जो किसानों का धान खरीदा गया उसका पूर्णतः भुगतान किया जाए। कार्यक्रम था आप लोग का? देखिए पिछले वर्ष जो किसानों से धान खरीदा गया उसका पूर्णतः भुगतान भी हेमंत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर में खेतों खलिहान में उतर करके धरना के माध्यम से इस सरकार की चिर निंद्रा को भंग कर रहे हैं और मांग करते हैं कि जो किसानों का
बकाया धान का मूल्य है उसका विलंब भुगतान करे, चूंकि अभी पुनः धान बुआई का समय आ गया। कोरोना के संकट काल में किसान ऐसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, अभी धान बुआई के समय में उनको अभी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जो है सो आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग बेरमो प्रखंड के इस नई बस्ती गांव में खेत में उतर करके और आज यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद हेमंत सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हेमंत सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Watching Our Voice News for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.